भारत की खोज में तलाश पाठ के अंतर्गत आज हम पांचवा अध्याय उसका पढ़ेंगे, भारत की विविधता और एकता। इसमें पाठ का सार इस प्रकार है, भारत की विविधता में एकता। यह शत प्रतिशत सत्य है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। संपूर्ण भारत के लोगों में खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा, शारीरिक व मानसिक रूप में विविधता झलकती है, लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत के सीमांत प्रदेशों के साथ जुड़े दूसरे देशों में भी भारत की समानता है। प्रांतीय विविधता में एकता। यदि हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाएंगे कि कश्मीर का पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता मिलेगी, लेकिन भीतर की भावनाएं समान ही हो सकती हैं। ऐसे ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में मध्य एशिया की झलक दिखती है और पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजल नृत्य शैली से मिलते हैं। इन सब के बावजूद भी पठान पर वैसी ही छाप दिखाई देती है जैसे कि तमिल पर। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत की सीमा के देश भी भारत के साथ एकता दर्शाते हैं, जैसे अफगानिस्तान और चीन भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी तुर्क और दूसरी जातियां इस्लाम के आने से पहले बौद्ध, उससे पूर्व वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। आज भी स्मारकों और मठों के अवशेषों में तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं, जो 10,000 वर्ष पूर्व अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। सारे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न भागों में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारतीयता की गहरी छाप। भारत के विभिन्न प्रांत बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़ीसा, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंध, पंजाबी आदि अनेक भागों से सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी के गुण दोष समान हैं। इनकी राष्ट्रीय विरासत एक है। नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी सदा समान रही हैं। कितनी ही विदेशी जातियों ने अपना प्रभाव जमाया, लेकिन वे भी भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई। भारतीय मानस में एकता ही सर्वोपरि रही है। भारत में सामंती, धार्मिक व जातीय संबंधों का सदा महत्व रहा व ये एकता के सूत्र रहे। तभी तो एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि किसी दूसरे में वह परदेसी या अजनबी महसूस करता है। बाहरी जातियों के लोग जो भारत में आकर बस गए, कुछ पीढ़ियां बिताने के बाद वे भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। भारतीय ईसाई अगर दूसरे देश भी चला जाए तो भी वह हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। नेहरू जी के दृष्टिकोण में भारत की तस्वीर। नेहरू जी का कहना है कि वे जब भी भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले मैदान, उन पर बसे अनगिनत गांव, वे शहर और कस्बे जिनमें वे घूमे हैं, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात जिसमें झुलसती हुई धरती का सौंदर्य और हरियाली खिल जाएगी, विशाल नदियाँ व उसमें बहता हुआ जल, ठंडा प्रदेश आदि सब कुछ सामने आता है। इसमें प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, भारत भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है, फिर भी इसकी क्या विशेषता है? जिसका उत्तर है, विभिन्नता में एकता, अर्थात भारत अलग अलग प्रांत होने पर भी एक समान है। दूसरा प्रश्न है, तक्षशिला के अवशेष कितने प्राचीन थे? जिसका उत्तर है, तक्षशिला के अवशेष 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन थे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार बनेंगे, भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तलाश अध्याय के अंतर्गत पाठ 6 जन संस्कृति में अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद।